हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मल्टीटास्क वर्कर काउंसलिंग से रिलेटेड एक नई अपडेट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मल्टीटास्क वर्कर की काउंसलिंग 21 से सभी अपने मूल दस्तावेज लेकर यहां पहुंचे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हम किस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज्वाली खंड की। प्रारंभिक शिक्षा खंड ज्वाली की अधिकारी नीना कुमारी ने बताया कि एसडीएम ज्वाली महेंद्र प्रताप जी के निर्देशानुसार मल्टीटास्क वर्कर्स के आवेदनों के साक्षात्कार 21 जून से शुरू हो रहे हैं तथा साक्षात्कार व प्रमाण पत्रों का सत्यापन एसडीएम ज्वाली कार्यालय में निर्धारित तिथियों को 10 बजे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला ज्वाली छात्र थंगर, ज्वाली छात्रा डेहरी प्लानट हवाल के साक्षात्कार 21 जून को होंगे। 22 जून की बात करें तो धार, करदियाल, फारिया, बनाड़ा, चलवाड़ा, मतलाहर के साक्षात्कार करवाए जाएंगे। इसी प्रकार नरगाला, भनई, मकड़ान, सोहरा, जैसर, भलूं, पलोहरा के साक्षात्कार 23 जून को होंगे। त्युकरी, चनियाला, गुगलाड़ा, भगलाहड़, नानाहार, थप्पल, खवल, हरिया, महस्कर व अनुही के साक्षात्कार 24 जून को होंगे और मस्तगढ़, गुज्जर बस्ती, ठेहड़ू, कालदू, सिद्धपुर घाट के साक्षात्कार 25 जून को होंगे। इसी के साथ राजकीय प्राथमिक पाठशाला मैरा, राजकीय माध्यमिक पाठशाला ठंगर, हरिया, खरोटा, भलू, समकेहड़, ठेहड़ू, भनई, धन के साक्षात्कार 27 जून को उपमंडलाधिकारी कार्यालय ज्वाली में होंगे। प्रारंभिक शिक्षा खंड ज्वाली अधिकारी नीना कुमारी ने बताया कि साक्षात्कार वाले दिन आवेदक अपने समस्त असली प्रमाण पत्रों को साथ लाना अनिवार्य होगा। किसी भी आवेदक को अलग से कोई पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि अलग से कोई सेपरेट कॉल लेटर जारी नहीं किए जाएंगे। इसी विज्ञापन को मद्देनजर रखते हुए अभ्यर्थियों को तय की गई तिथियों के अनुसार साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। हाँ, अगर अभ्यर्थी किसी प्रकार की कोई जानकारी साक्षात्कार के संबंधित चाहते हैं तो वे किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।